आप भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सारी वेद ऋचाएं और सारे शास्त्र वेद सब वहां ले जाने के लिए बनाए गए हैं, वहां पहुंच जाओ फिर ये सब लौट आते हैं। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तस्य कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। ये सब भगवान से मिला करके वापस लौट आते हैं, फिर उसके ऊपर इनका कानून लागू नहीं होता। ब्रह्मवित श्रुति मूर्धनी, ये वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं महापुरुष। अस्तु, तो मैं के विषय में बहुत सा डिटेल में आपको बताया गया कि ये भगवान का दास है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है, पिछले प्रवचन में यह भी बताया गया कि ब्रह्म जो अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, जो आनंद स्वरूप हो। वेदांत भी कहता है आनंदमयोभ्यासात् एक एक तेरा आनंदो ब्रह्म आदि। तो मैंने अनेक वेद मंत्रों से आपको बताया था कि भगवान का दूसरा नाम है आनंद, उसके हम अंश हैं। और मैंने भगवान के दो रूप तीन रूप दोनों बताए थे, प्रमुख है दो रूप, निराकार निर्गुण ब्रह्म, साकार सगुण ब्रह्म। और यह भी आप याद कर लें, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। निराकार ब्रह्म का आधार साकार ब्रह्म है, श्री कृष्ण है। मुंडकोपनिषद 3:1-3, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च। गीता 14:27, और अनंत गुण होते हुए भी उनका सबसे बड़ा गुण अब आप सुन लीजिए, वो कौन सा है सबसे बड़ा गुण? भक्त का भक्त बन जाना। बहुत ध्यान से समझो, कहने के लिए तो वो स्वामी है और सब जीव दास हैं। दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण, वही एक स्वामी है, बाकी सब दास हैं। वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, जितने अवतार हैं और जो मायाबद्ध है, सब दास हैं। वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी। 11:14-16 भागवत, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं,